हम राजस्थान से आए हैं, हम इस गाड़ी में सो रहे हैं, कभी कोई हिंसा की बात नहीं, कभी इन्होंने हमें पराया नहीं समझा। और पूरे देश में सरदारों को बदनाम करते, जिनके गांव में हर रोज एक लाश आती है तिरंगे में लिपटी हुई, उसको सबूत देना पड़ रहा है बार 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 बार। और कौन लोग सबूत मांग रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है देश के बलिदान से, जो देश को तोड़ना जानते हैं, जो जय श्री राम को धर्म के हिसाब से नहीं लगाते हैं, वो दूसरे को चोट पहुंचाने के हिसाब से जय श्री राम बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम, मैं राम राम साहब बोलूंगा या राधे राधे बोलूंगा, जो कुछ है बोलूंगा। जय श्री राम इसलिए नहीं बोलूंगा कि उसका मकसद है किसी को चोट पहुंचाना। गांधी जी बोलते थे ऐसा कोई भी चिन्ह धारण मत करो, ऐसा कोई भी प्रतीक धारण मत करो वो किसी के दूसरे को चोट पहुंचाए, किसी दूसरे समाज को चोट पहुंचाए। किस तरह से मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैंने क्या कभी कोई झाड़ू लगाए थे सड़क पे, जीटी रोड पे? मैं भी झाड़ू लगाता हूँ सुबह, मैं भी लंगर में मटर छीलता हूँ। बहुत सीखने को मिला इन लोगों के साथ में। और फिर एकाएक आपस में लड़ाने का, एक ही दिन में मैं हिंदू हो गया और ये सिख हो गए, हम दोनों दुश्मन हो गए एक ही दिन में। इतने दिन से यहाँ बिहारी लेबर खाना खा रही थी, वो सब आस पड़ोसी लोग लंगर चख रहे थे, एक ही दिन में सब इनको शक की नजर से देखने लग गए। ऐसे लोगों को देश को समझना चाहिए। आप हिंदू हैं, आपको गर्व नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र में? नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मेरे को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मुझे ऐसी संसद नहीं चाहिए जिसमें एक धर्म की पूजा होती है, जिसकी नींव एक धर्म वाले लोग रखते हैं। मेरे को ऐसी संसद मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ऐसी संसद चाहिए जिस सारे धर्म के लोग मिलके इकट्ठे हों और उसकी शिलान्यास करें। मुझे ऐसी संसद चाहिए, मुझे ऐसा देश चाहिए। सत श्री अकाल, मैं करण, तुम जुड़ चुके हो अखर दे नाल। 26 जनवरी तो बाद या उस तो पहला भी जो तो सोशल मीडिया फरोलीए तो एक माहौल सिरजा गया है या सिरजा जा रहा है, किन्ना वालों किया जा रहा है कुछ समझ नहीं। कामरेड वर्सिज सिख या फिर होर जड़ियाँ धिरां ने, वो धिरां दे आपो अपने तर्क ने, वक्खो वक्खरियां घटनावां नूं अपने तरीके नाल वह सही दसदियां ने, पर इस विचारले जिहड़े लोग न्यूट्रल ने उन्हां दा की न्यूट्रल? साडे नाल अशोक शर्मा डॉक्टर, डॉक्टर अशोक शर्मा राजस्थान के एमरजेंसी सहूलतां उत्थे सेवावां निभा रहे सन, ते जद किसानां नूं लोड़ पई ते काफ़ी दिन महीनियां तों वध समां हो गया इत्थे डटे होए ने। डॉक्टर साहब नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, कैसे देखते हैं आप 26 के बाद? अगर सारा एलिब्रेट करना हो, क्या कुछ हो रहा था यहाँ पे, कैसा माहौल था? देखिए, जो कुछ हुआ वो 84 के दंगे का रिपीटेशन होने वाला था, और 84 के में जो हुआ वो तो इंदिरा जी की हत्या के बाद जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने इनके साथ किया था, लेकिन इस बार जो होने वाला था वो हिंदू वर्सेस सिख था, और कोई कसर बाकी नहीं थी। कसर केवल ये बाकी रही थी कि केवल तिरंगा झंडा वहाँ से गिरा नहीं था या हटा नहीं था। यदि मैं सोचता हूँ, मैं उसको गंभीरता से सोचता हूँ, तो यदि तिरंगा गिर जाता या कोई तिरंगा को हटा देता वहाँ से लाल किले पे से, तो ये चीज़ उनकी पूरी हो जाती और उनकी मंशा पूरी हो जाती। तो वो दो दिन बड़े खतरनाक थे, हमारे लिए भी खतरनाक थे और देश के लिए भी खतरनाक थे। और समझ में नहीं आ रहा कि ये समुदाय हर 10-15-20 साल अब कब तक अपनी निष्ठा को साबित करने का प्रयास करता रहेगा। बार 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 किसी को आप आतंकवादी कहते रहो, लगातार कहते रहो। अब तो ऐसा हो गया कि 15 दिन निकलते हैं और इनको आतंकवादी बोलते हैं। खास कर टारगेट किया जा रहा है सिखों को। पहले मुसलमान को टोपी लगाने पर आतंकवादी कहा जाता था, अब सरदारों को टारगेट वापस से किया जा रहा है। तो बहुत कठिन दिन थे, मेरे लिए भी कठिन दिन थे। मैं तो न तो पंजाब का हूँ, न सरदार का हूँ, और इनके बीच में बैठा हुआ था। तो मुझे भी राजस्थान में जो लोग पहले बोल रहे थे कि आओ, आपका जब आप आओ पहले हमें बता देना, अब आपका बहुत वेलकम करेंगे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वही लोग एक दिन 26 तारीख की शाम को सब चेंज थे। हमें फ़ोन आने लग गए, अब राजस्थान कैसे आएगा, तेरा क्या होगा, तेरी फैमिली का क्या होगा, हमारी माँ हमारी चिंता करने लग गई, तू वहाँ कैसे रहेगा। और फिर यहाँ से भी लोग जाने लग गए, जो पंजाबी थे, सरदार थे, वो भी, उनमें से भी कई टोलियाँ हमारे सामने, हमने बहुत रोकने का प्रयास किया।
और हमने सोचा कि यदि हम चल जाएंगे तो बहुत गलत मैसेज चल जाएगा और ये जो गोदी मीडिया है वो इस तरह से इसको प्रचार करेगा, देखो एक ये हिंदू यहाँ इनके बीच में इतने दिनों से बैठा हुआ था वो भी इनसे भाग गया, इसका मतलब वो इनसे सहमत है कि ये गलत कर रहे हैं ये लोग। तो हमने सोचा इस समय पे यदि हम टिके रह गए तो शायद ये अच्छा मैसेज जाएगा सबके लिए कि नहीं वहाँ गलत नहीं हो रहा है, वो लोग गलत नहीं है, इसलिए हम तो अपनी जगह पर टिके रहे। कई फ़ोन आए, हमने कहा जैसे भी है हम इनके साथ हैं, हमें इनकी बात पर विश्वास नहीं है, ये लोग गलत नहीं है, जो लोग फैला रहे हैं ये मीडिया गलत फैला रहा है उस पर हमें विश्वास नहीं है, हम तो इनके साथ में रह रहे हैं, ये ऐसे हो नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अब इसको पॉजिटिव वे में लेना शुरू करो, 26 के बाद गए फिर टिकट वाले जी का समय आया और अचानक है ना ये पूरा आंदोलन तिरंगे में रंग गया है। पहले इसमें धर्म को थोड़ा आगे लेके चल रहे थे पंजाब के लोग भी, निशान साहिब को आगे लेके चलते थे, लेकिन अब भाईचारे की बात करते हैं, कोई हरियाणा वाला मिलता है तो उससे राम राम करते हैं और हरियाणा वाला इनको सत श्री अकाल करता है। अब आंदोलन वास्तव में अब शुरू हुआ है और जो भी इसमें था गड़बड़ थी कचरा था वो सब निकल चुका है, अब ये देश का आंदोलन बन चुका है, अब कोई शक नहीं है। अब ये मंच भी साझा हो रहा है, कभी कोई हिंदी में बोलता है, पहले दिन भर पंजाबी में चलता था, अब इनको पता लग गया है अब पूरा देश को हमारी बात सुनानी है, अब तिरंगा यहाँ ज़्यादा नज़र आने लगा है, ये मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। अच्छा, उस दिन के बाद एकदम से आपने भी बताया, हमने भी नोटिस किया कि डर था, लेकिन टिकैत जी वाले इंसिडेंट के बाद यह आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हुआ है, पीक पे है, कहीं ना कहीं लोगों में वो भाईचारा और मजबूत हुआ। मजबूत क्या हुआ, बिल्कुल मजबूत हुआ पूरा, मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी सब गंदगी खत्म हो चुकी है। जो मैं ये लोग भी इस आंदोलन को जिस तरह से लीड कर रहे थे ना, धर्म को आगे रखते थे, फिर बात करते थे दिल्ली फतेह करने की, बातें करते थे कि दिल्ली हमारे पुरखों ने इतनी बार फतेह किया है, वो थे अब वो नहीं, अब किसान आंदोलन की होती, भारत की एकता की बात होती है, भारत माता की जय होती है, वंदे मातरम होता है, राम राम करते हैं हरियाणा के भाइयों को, अब उस तरह का होता है, अब सब धर्म मिलकर लड़ाई लड़, लोग समझ चुके कि हर बार सियासत धर्म में बांटने की रहती है, इसको इन्होंने इनको ही भाषा में ही जवाब दिया। वो दिन देखिए टिकैत जी से भी पहले स्टेप इन लोगों ने लिया कि जब 26 जनवरी को ये घटना चल रही थी उसी समय पे चडूनी जी और कई नेताओं ने अपनी रैली को विड्रॉ किया था और लाखों ट्रैक्टर को दिल्ली में से आने से रोक दिया था। जब लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ जाने वाले थे तब इन्होंने अनाउंसमेंट किया, दिल्ली की सड़कों पे जा जा के इन लोगों ने बोला कि वीरों वापस चलो हमें कुछ नहीं करना, रैली कैंसिल है। वो स्टेप भी बहुत एक एक स्टेप था। फिर अगले दिन इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली यहाँ पे, जिसपे ये सारे जो किसान जत्थेबंदी के नेता गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लेके भारत माता की जय वंदे मातरम के नारा लगाते हुए निकले थे। तो उनका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया, उन्हीं के हथियार को इस्तेमाल करके इन्होंने उस चीज़ को काटा। जब हम आपके पास आते हैं तो ये आप एक किताब रखते हैं अपने पास गांधी जी की, हालांकि विचारधाराएं पंजाब में देखें तो भगत सिंह को काफ़ी फॉलो करते हैं, गांधी जी की अपनी विचारधारा अहिंसा जो थी या शांति है वो इस आंदोलन की ताकत रही है शुरू से, लेकिन एकदम से जिस तरह से अहिंसक रूप दिखाया गया या फिर वो प्लानिंग थी सारा चीज़ें, उस चीज़ का फ़र्क लगता है आपको? देखिए अभी यहाँ जब भी मैं घबराने लगता हूँ तो मैं इस किताब का सहारा लेता हूँ और अहिंसा की बात कर रहे हैं। यहाँ हम राजस्थान से आए हैं, हम इस गाड़ी में सो रहे हैं, कभी कोई हिंसा की बात नहीं हुई, कभी इन्होंने हमें पराया नहीं समझा, और पूरे देश में सरदारों को बदनाम करते, ठीक है ये धर्म को ज़्यादा मानते हैं लेकिन इनका धर्म फ्रेश धर्म है। मैं इनकी किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें नानक जी के बारे में बताया गया है, कई मुस्लिम फकीरों के बारे में बताया गया है, कबीर जी के दोहे हैं इनके गुरु ग्रंथ साहिब में, सब धर्मों का मेल है इनमें, ये सब धर्मों को साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। हमसे कभी इन्होंने नहीं पूछा तेरी जाति क्या है तेरा धर्म क्या है, बराबर का व्यवहार किया और इसको हमको बार बार बदनाम करते हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। अहिंसा, ये कृपाण लेके घूम रहे हैं तो इसका मतलब हिंसा तोड़ी है, ये पहले मरने को तैयार रहते हैं। ये किसान इसी चीज़ के लिए अपने आप को बता रहे हैं, कह रहे हैं त्रासदी भी है, जिन लोगों ने देश के लिए इतने बलिदान दिए वो खुद को साबित कर रहा है कि मैं देश भगत। वही तो सबसे बड़ी बात है, ये जिनके गाँव में हर रोज एक लाश आती है तिरंगे में लिपटी हुई, उसको सबूत देना पड़ रहा है बार 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 बार, और कौन लोग सबूत मांग रहे हैं,
जिनका कोई लेना देना नहीं है देश के बलिदान से, जो देश को तोड़ना जानते हैं, वो लोग सबूत मांगते हैं इनसे बार बार। जो जय श्री राम को धर्म के हिसाब से नहीं लगाते हैं, वो दूसरे को चोट पहुंचाने के हिसाब से जय श्री राम बोलते हैं। मैं नहीं बोलूंगा जय श्री राम, मैं राम राम साहब बोलूंगा या राधे राधे बोलूंगा, जो कुछ है बोलूंगा। जय श्री राम इसलिए नहीं बोलूंगा कि उसका मकसद है किसी को चोट पहुंचाना। गांधी जी बोलते थे ऐसा कोई भी चिन्ह धारण मत करो, ऐसा कोई भी प्रतीक धारण मत करो वो किसी के दूसरे को चोट पहुंचाए, किसी दूसरे समाज को चोट पहुंचाए। इवन मेरे को जब मैं राजस्थान में था, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, क्या ये सच्चाई है? आंदोलन से जुड़े हर शख्स की, हर शख्स के आंखों में आंसू थे। सरदारों से प्यार बढ़ गया आपका? सरदारों से प्यार बढ़ गया। मैं हिंदुस्तान देखा है, यहाँ पे इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है जो यहाँ पे है, बिल्कुल ओरिजिनल है सब कुछ, किस तरह से मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैंने क्या कभी कोई झाड़ू लगाए थे सड़क पे? जीटी रोड पे मैं भी झाड़ू लगाता हूँ सुबह, मैं भी लंगर में मटर छीलता हूँ। बहुत सीखने को मिला इन लोगों के साथ में, और फिर एकाएक आपस में लड़ाने का, एक ही दिन में मैं हिंदू हो गया और ये सिख हो गए, हम दोनों दुश्मन हो गए एक ही दिन में। इतने दिन से यहाँ बिहारी लेबर खाना खा रही थी, वो सब आस पड़ोसी लोग लंगर चख रहे थे, एक ही दिन में सब इनको शक की नजर से देखने लग गए। ऐसे लोगों को देश को समझना चाहिए। आपके जज्बात सच्चे हैं, हम आपके इन जज्बातों की कदर करते हैं। आखिरी आपसे मैसेज लेंगे, जिस जीत को लेकर या जिस सपने को लेकर किसान या फिर आप यहाँ आए, वो पूरा होगा? देखिए सपना बहुत बड़ा हो चुका है, आप छोटा मत समझिए। ये किसान आंदोलन को, ये किसान आंदोलन नहीं रहा, ये देश बनाने का आंदोलन है अभी। ये अभी देश की एकता का, ये इनको एक्सपोज करने का आंदोलन बन चुका है, जो 80% कर चुका है ये एक्सपोज। इन नेताओं की छवि जो है ना, ये किसी MLA MP से बहुत बड़ी है। ये नेता यदि आज कश्मीर में जाते हैं ना बिना सिक्योरिटी के, तो वहाँ कश्मीर के मुसलमान भाई इनका वेलकम करेंगे। ये लोग केरल में जाएंगे, वहाँ इनका वेलकम होगा। ये ऐसी छवि बना चुके हैं, इस छवि का उपयोग पूरा देश को करना चाहिए। इस किसान आंदोलन से ऊपर उठ चुके हैं ये लोग, और ये आंदोलन तो ये इसने अपना 80% गोल तो प्राप्त कर लिया है इन सबको एक्सपोज करके। और ये किसान रही किसानों की समस्या की बात, ये तो शर्तियाँ ये जीतेंगे। देश के लिए एक उम्मीद जागी, बहुत उम्मीद जाग दी है। मैं कह रहा हूँ ना 80% इन्होंने गोल प्राप्त कर लिया है भेदभाव मिटा के। आपको जो लोग देख रहे होंगे उन्हें क्या कहते हैं, क्योंकि उनके के पास वो खबरें जा रही हैं जो नेशनल मीडिया पे वो लोग देख रहे हैं, वो भी शक की निगाह से इस आंदोलन को देख रहे होंगे, उन लोगों को क्या कहें? मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ इस आंदोलन का, जो मैं इनके बीच में रह रहा हूँ। वो जो दूर बैठ के देख रहे हैं, किसी नकली आदमी को पेश कर रहे हैं, किसी को ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मैं 9 दिसंबर से इनके साथ सड़क पर बैठा हूँ। किस तरह से मेरे को ट्रीट किया इन उन लोगों ने, मैंने इनको समझा, इनके धर्म को समझा, और उसके बाद भी इन्होंने कोई इनका धर्म मेरे पर थोपा नहीं कि मैं सिख के जैसा बिहेव करूँ। सब अपने अपनी तरह से काम करो, बराबरी का, खालसा का मतलब समझाया इन्होंने मुझे अपने आप सीखने को मिला खालसा क्या होता है, एक बराबरी का व्यवहार जिसमें न कोई धर्म का भेदभाव हो, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, करोड़पति गरीब एक साथ रहे, वो खालसा का विचार है। जैसे हम राजस्थान में बैठ के राम राज्य की बात करते हैं ना, वैसे ये खालसा की बात करते हैं। मैं एक सवाल आपसे, आपने राम राज्य की बात की, ये सरकार भी राम राज्य देने की बात करती है? ये हिंदू राष्ट्र की बात करती है, आप यही तो कन्फ्यूजन है, ये हिंदू राष्ट्र की बात करती है, राम राज्य की बात नहीं करती। राम राज्य आप हिंदू हैं, आपको गर्व नहीं होता कि हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मेरे को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। मुझे ऐसी संसद नहीं चाहिए जिसमें एक धर्म की पूजा होती है, जिसकी नींव एक धर्म वाले लोग रखते हैं। मेरे को ऐसी संसद मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऐसी संसद चाहिए जिस सारे धर्म के लोग मिलके इकट्ठे हों और उसकी शिलान्यास करें। मुझे ऐसी संसद चाहिए, मुझे ऐसा देश चाहिए। यदि ऐसी संसद बनानी थी तो राम जन्मभूमि में जो अधिग्रहण करी हुई जमीन है ना, उसके बीच में बना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बातचीत की। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सो डॉक्टर शर्मा ने जज्बात तुसी समझ ले होंगे किस आंदोलन की सच्चाई की है, यदि पवित्रता की है, इन तोड़ो ना, इतने टैग ना लाओ, ये भी अपील यही कर रहे ने। जिहड़ी मंग नूं कहिंदे लैके चले, देश नूं एक उम्मीद जागी है, उम्मीद चंगे देश की, एक सपना जिहड़ा देखदे आ देश दा, उह सपना पूरा होण दा एक इत्थों चिणक लगी है, ते इस चिणक नूं कहिंदे कि जिहड़ा भाग जरूर लगणगे।
अपने सहयोगी रविशंकर दे नाल करण शर्मा अखर दे लई।